नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी मिथुन राशि के दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में आनंदित होंगे। जब जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं तो वह इंतज़ार नहीं करते हैं और आपके बिना मांगे ही आपको दे देते हैं। मांगने का मौका ही नहीं देते हैं भगवान, कहते हैं लो मैंने तुम्हें ये खुशियाँ देनी है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन अब वो बताएं कैसे आपको? सपने में आएंगे तो सपना आप सुबह उठेंगे भूल जाएंगे, सामने प्रकट हो जाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई ये भगवान ही है या कोई नाटक तो नहीं कर रहा है। किसी व्यक्ति को भेज देंगे आपके सामने तो आप कहेंगे पता नहीं ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये इतना मेरा भला कैसे सोचने लग गया। 100 सवाल हैं। भगवान सामने दर्शन दे भी दें तो भी आप भगवान को भगवान नहीं समझेंगे, आप समझेंगे कोई नाटक कंपनी का व्यक्ति आ गया है जो भगवान का रूप धारण करके हमें भगवान जैसी बातें बता रहा है या भगवान जैसी शक्ल दिखा रहा है। अब बेचारा भगवान क्या करे? अब भगवान कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ संकेत दे देता हूँ, इनसे ही समझ लो। तो भगवान आपको सितंबर महीने में कुछ ऐसे बढ़िया संकेत देंगे जिनको आप समझें, जानें, बूझें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। भगवान कुछ देने से पहले कारण बनाते हैं। जिस भी माध्यम से भगवान को देना होता है आपको, पैसा, धन, खुशियां, मान सम्मान, वो कारण बनाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने सितंबर माह को बेहतर बनाने के लिए आपको स्वयं दिए हैं सफलता के ये 5 संकेत जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। जब भी भगवान देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान लेते लेते थक जाता है और सभी बंद दरवाजे खोल देते हैं। इन बंद दरवाजों के पीछे जो खुशियाँ छुपी होती हैं वो सब आपके लिए होती हैं। तो स्वागत करिए भगवान के इन 5 शुभ संकेतों का जो ग्रहों के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो बहुत स्वागत करिए और धन्यवाद भी करिए भगवान का। तो यह जो जानकारी है यह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी और आपको पहला शुभ संकेत मैं बताऊं उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो आपको पहला शुभ संकेत देंगे आपकी राशि के स्वामी बुध। 10 सितंबर से 28 सितंबर तक चौथे भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे और आपको भद्र योग का लाभ मिलेगा। पूर्ण रूप से यह समय खुशियों का है, खुशियों का संकेत है आपके लिए। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, याददाश्त बहुत बढ़िया होगी, आप अपनी उम्र से छोटे दिखाई पड़ेंगे या पड़ेंगी। महिलाएं आनंद लेंगी इस समय का, रूप सौंदर्य को चमकाने के लिए खूब ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, वजन कम करने के लिए भाग दौड़ करेंगी, जिम इत्यादि ज्वाइन करेंगी, योग इत्यादि करेंगी। अपनी पर्सनालिटी को सुधारने के लिए अंदर से इच्छाएं पैदा होंगी आपकी, अंदर से ऐसे संकेत मिलेंगे कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। और जब इंसान के अंदर से भगवान संकेत देते हैं तो वो शक्ति और ताकत भी देते हैं और इंसान उठकर दौड़ता है, भागता है, प्रयास करता है और सफलता प्राप्त करता है। तो ये सभी कुछ ईश्वर आपको देंगे, आपके आसपास का माहौल ऐसा बना देंगे जहाँ पर खुशियाँ, प्रसन्नता और सफलता मंडराती होंगी आपके आसपास। जैसे चीनी को देख कर चींटियाँ आ जाती हैं, चीनी को देखकर चींटियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, उसी प्रकार खुशियों के इर्द गिर्द आप नाचने लगेंगे या कहें खुशियां आपके इर्द गिर्द नाचने लगेंगी। आपकी बुद्धि वाणी बहुत तेज होगी, आप सभी काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हुए सभी का दिल जीतते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होगा, आपके अंदर साहस होगा, आप पत्रकार बनना चाहते हैं, टीवी मीडिया में जाना चाहते हैं, जज, वकील, प्रवक्ता, राजनीति में जाना चाहते हैं या इन लाइनों में पहले से ही हैं तो आपके लिए वक्त बहुत बढ़िया रहने वाला है, या इन विषयों की कोई पढ़ाई करना चाहता है तो बहुत बढ़िया वक्त रहेगा। खेल कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या अन्य खेल में जाने की रुचि है तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। किसी अच्छे कोचिंग में आप जुड़ सकते हैं या आप बिल्कुल एकदम तैयार हैं तो किसी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपकी सलाह, आपकी बात लोग मानेंगे और आपकी सलाह जो है वो लाखों की होगी, लोगों का काम बनेगा, आपका स्वयं का भी काम बनेगा। ये संकेत है शानदार और भगवान का आशीर्वाद भी है शानदार। तो मिथुन राशि वाले बुध की इस कृपा से बहुत लाभ कमाने वाले हैं।
बात करते हैं दूसरे शुभ संकेत की। आपको दूसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा बुध और शुक्र की कृपा से 10 सितंबर से 28 सितंबर तक चतुर्थ भाव में श्री लक्ष्मी नारायण योग का बनना और बुध का नीच भंग राजयोग का बनना और भद्र योग तो पहले से ही बना हुआ है। तो कुल मिलाकर फिर से आपके लिए बुध और शुक्र खुशियों की बारिश नहीं, मैं कहूँगा खुशियों की सुनामी लेकर आ रहे हैं, और ऐसी सुनामी होगी जिसमें खुशियाँ इतनी होंगी कि आपको दोनों हाथों से खुशियों को पकड़ने और संभालने में बड़ा वक्त लगने वाला है। इसको पकड़ूँ, उसको पकड़ूँ, किसको पकड़ूँ। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं अपने ख्याली पुलाव आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन लेने वाले यदि आप हुए तो ही मिलेगा। अब आप लेने ही वाले नहीं बने तो इसमें मेरा नहीं दोष, ईश्वर का नहीं दोष, दोष है आपका। तो ये समा, ये माहौल बना होगा, जो मेहनत करेंगे, जो प्रयास करेंगे, जिसने कुछ सोच रखा होगा कि मुझको किस माध्यम से क्या प्राप्त करना है, उसके लिए यह समय करोड़ों का है। जिसने कुछ सोच ही नहीं रखा है, जो आलसी है, जिसने बस चलो देखेंगे मिल जाएगा तो ठीक है, पहले तुम ले आओ जाके बाद में हम देख लेंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। वो बस आराम करें और आगे आने वाले मौक़ों का इंतज़ार करें। तो जागरूक और समझदार लोग अभी प्राप्त करेंगे और आगे भी प्राप्त करेंगे, और जीवन में ऐसे मौके आते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा, आप खुशियाँ प्राप्त करते रहिए, आगे बढ़ते चले जाइए। तो बस आँखें खोलनी है और कदम आगे बढ़ाना है। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, भद्र योग बनेगा, बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा, क्या क्या बन रहा है, बहुत ही सुंदर। आपकी हमेशा एक शिकायत रहती है कि घर में पैसा आता है, पैसा भाग जाता है, 10,000 कमाए वो भी नहीं टिकता, 1,00,000 कमाए वो भी नहीं टिकता, क्या करें। तो यही मौका है जब श्री लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, क्योंकि आप हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को बाद में याद करते हैं, उनको भूल जाते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी। अब आप लक्ष्मी जी को अपने घर ले आएंगे और विष्णु जी को उनके अपने घर पर छोड़ आएंगे, तो कोई भी विवाहिता स्त्री जो धर्म कर्म से जुड़ी हुई है तो वो अपने पति को ज़्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती हैं, उनको भी घर वापस जाना होता है। आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी आती हैं, आपको थोड़ा बहुत देती हैं और फिर भाग जाती हैं अपने घर या चली जाती हैं अपने घर, क्योंकि उन्हें अपने घर को भी देखना होता है, क्योंकि आप हमेशा बुलाते लक्ष्मी जी को हैं। अरे भगवान श्री हरि विष्णु को बुलाइए, उनके पति देव को बुलाइए, उनको अपने घर में स्थान दीजिए, ऑफिस में, घर में, फैक्ट्री में स्थान दीजिए। अरे जब विष्णु जी आ गए तो लक्ष्मी जी क्यों भागेंगी। अब आप में से कुछ लोग विवाहित होंगे, अगर आपकी धर्म पत्नी अकेले किसी रिश्तेदार के घर जाएं तो 2 घंटे 4 घंटे में वापस आना पड़ता है, कहती नहीं नहीं पति देव वहाँ पे अकेले बैठे हैं, उनका खाना भी बनाना है, उनका ये भी देखना है, उनका वो भी देखना है, सुबह ऑफिस भी जाना है, मुझे तो जल्दी घर जाना है। और अगर पति देव ही चले जाएं वहाँ पर, दोनों मतलब मियाँ बीवी दोनों चले जाएं, तो ये चिंता नहीं रहती है कि अरे भाई ठीक है चल 2 घंटे बाद चले जाएंगे। अच्छा ऐसा करते हैं रात भी रुक जाते हैं, ऑफिस भी सुबह यहीं से चले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आगे छुट्टी आने वाली है तो 2 दिन और रुक जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम लक्ष्मी जी की आराधना के साथ साथ विष्णु जी की आराधना भी करते हैं तो लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर टिक जाती हैं, और जब लक्ष्मी जी टिक जाती हैं तो आपकी ये समस्या समाप्त हो जाती है कि लक्ष्मी आती हैं और टिकती नहीं हैं। तो श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, बहुत सुंदर मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। लक्ष्मी जी की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि प्यार इश्क मोहब्बत सफलता देश विदेश की यात्रा या जो भी सुख आप जोड़ना चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। ये संकेत है लक्ष्मी जी को अपने घर हमेशा हमेशा के लिए बसा लेने का श्री हरि विष्णु के साथ। तो अगर आपको करना है तो जरूर करिएगा, मेरी बात समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं। जीवन की बड़ी बड़ी खुशियां प्राप्त करने के लिए ये मौका है आपके लिए। श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा करते हुए आप लक्ष्मी जी को सदा सदा के लिए अपने घर में स्थान दीजिए। बात करते हैं तीसरे महाशुभ योग की। तो तीसरा महाशुभ संकेत आपको जो प्राप्त हो रहा है भगवान सूर्य की कृपा, यानी ग्रहों के राजा भगवान सूर्य की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तृतीय भाव में होंगे और स्वराशि के होंगे 16 सितंबर तक। आपके जीवन में बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा। सूर्य आपको अंदर से
वो आकर्षण देंगे, सूर्य आपके अंदर वो तेज पैदा करेंगे, सूर्य आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करेंगे जो आपको सभी सफलताओं में श्रेष्ठ बना देंगे। यानी कि आपको सभी सफलताओं में नंबर 1 की सफलता मिलेगी, आपको नंबर 2 पर भी जाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, सूर्य आपके अंदर वो गुण लेकर आएंगे। आप जल्दी जल्दी धनवान बनेंगे, आप जल्दी जल्दी समृद्धशाली बनेंगे, आपको बहुत मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका तेज दिमाग आपको समझदारों की लाइन में खड़ा कर देगा। यानी कि एक तरफ खड़े हैं आलसी लोग, एक तरफ खड़े हैं समझदार लोग, तो आप समझदारों की लाइन में नंबर 1 होंगे, यानी कि आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। नौकरी प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी वालों को तो बहुत ही लाभ मिलेगा, प्राइवेट वालों को भी मिलेगा, लेकिन सरकारी प्रयास कर रहे हैं, जो लोग नौकरी के लिए IAS PCS की कंपटीशन के लिए जो भी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने में जो भी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। आपके बॉस, आपके सीनियर आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं और आपके सहकर्मी भी आपसे बहुत खुश रहने वाले हैं। तो प्रगति के रास्ते 1-2 नहीं, चारों तरफ से आपके लिए खुलने वाले हैं। आप कविता लिखने का शौक रखते हैं, लेखन का कुछ शौक रखते हैं, कुछ बढ़िया गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लिखते हैं, तो आनंद ही आनंद है, बहुत बढ़िया सफलता आपको मिलेगी। सूर्य आपको बहुत कुछ देंगे, सूर्य आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर चले जाएंगे जिन ऊंचाइयों पर जाकर लोग आपको सलाम करेंगे, लोग कहेंगे वाह क्या बात है, लोग आपके पास आएंगे कि हमारा ये काम कर दो, लोग आपके पास आएंगे हमें ये करना है, आप बता दो कैसे आपने सफलता प्राप्त करी, क्या था क्या नहीं, बहुत कुछ पूछेंगे लोग आपसे। अब इन सब को पूछने में आपकी मेहनत भी होगी, आपको ग्रहों का साथ भी मिला और आपने सही मौके और सही संकेत को पकड़कर लाभ भी कमा लिया। तो सभी चीजों का मिश्रण जो है, वो ही मिश्रण जो है किसी चीज को बहुत स्वादिष्ट बनाता है। आप सब्जी बना रहे हैं, उसमें 4 चम्मच नमक डाल दीजिए तो सब्जी कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसी सब्जी में थोड़ी हल्दी नमक मिर्च मसाले सही मात्रा में पड़े हों और सही आग पर पकी हो तो उस सब्जी में स्वाद आता है। तो आप भी ऐसा ही समझ लीजिए कि इस समय अंतराल में ये जो संकेत मिल रहे हैं आप को चारों तरफ से खुशियां दे रहे हैं, कहीं से आपकी सेहत बढ़िया कर रहे हैं, कहीं से आपकी बुद्धि को तेज कर रहे हैं, कहीं आपका जो है दुश्मनों को समाप्त कर रहे हैं, कहीं से मौके बन रहे हैं, कहीं से आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं से रूठे हुए मान रहे हैं, कहीं से आपका मनोबल तेज हो रहा है। यानी सबका बराबर बराबर मिश्रण आपके जीवन में आता जा रहा है और आप सफल महिला पुरुष बनते चले जा रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, सूर्य का बुध आदित्य योग और सूर्य का स्वराशि का होना कृत्य भाव में आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियां लेकर आने वाला है और आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग होगी और आप इस संकेत के माध्यम से बहुत आगे बढ़ते हुए मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप और आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं चौथे महाशुभ संकेत की। तो चौथा महाशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा के द्वारा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठेंगे और छठे भाव में बैठकर शुभ फल प्रदान करेंगे। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से गुरु विभिन्न भावों को देखेंगे और जो गुरु जहां जहां देखते हैं उन भावों को बहुत ऊपर उठा देते हैं। आपकी चली आ रही नौकरी में बदलाव हो सकता है या बदलाव शुभ होगा। नौकरी से परेशान है, नौकरी में कुछ नया नहीं हो रहा है, नौकरी में मन का नहीं हो रहा है, नौकरी में तनाव चल रहा है, सब कुछ समाप्त होगा और कहीं पर इंटरव्यू दिया है, कहीं पर प्रयास किए हैं तो वहां से शुभ परिणाम भी प्राप्त हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई करने वालों को बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे, परीक्षा कंपटीशन में सफल होंगे, मेहनत से अपनी खोई हुई प्रतिभा को, अपने मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। कोई बुरे आरोप, कोई बुरी आदतों में आप फंस गए थे या कहीं पर आपकी बदनामी हो गई थी, कोई केस चल रहा था, तो उन सब चीजों से भी मुक्ति मिलने के पूरे पूरे चांस दिखाई पड़ते हैं। व्यापार के माध्यम से आप धन कमाएंगे, खूब व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहेंगे, यानी व्यापारिक गतिविधियों में आप डूबे रहेंगे और खूब लाभ कमाएंगे। विदेश यात्रा की तैयारी कर ले, शत्रु का विनाश होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा, धन दौलत की कमी नहीं होगी, आप अपने सभी कामों को वक्त पर पूरा करेंगे। विवाह के योग्य हैं तो विवाह के लिए तैयार हो जाएं, जल्द ही अच्छे रिश्ते प्राप्त हो जाएंगे। तो देव गुरु बृहस्पति ने भी कर दिया है कमाल, दे दिए हैं इतने बेहतरीन संकेत कि आपकी जो झोली है वो भर गई है। लेकिन अभी एक संकेत और बाकी है, तो अपनी झोली में थोड़ी सी जगह रखिएगा ताकि एक और संकेत का स्थान बना रहे, वो खुशियां भी आपको सितंबर के महीने में लेनी है और उसका भी
फल प्राप्त करना है और एंजॉय करना है। तो बात करते हैं पांचवें महाशुभ संकेत की, जो सितंबर माह में आपको ग्रहों के माध्यम से और ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाला है। तो पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 28 और 29 तारीख को, चंद्रमा मंगल के साथ महालक्ष्मी योग धन योग का निर्माण करेंगे। आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी, आप सामर्थ्यवान शक्तिशाली होंगे। आप इन दो तारीखों में अपनी मेहनत से खूब धन यश मान सम्मान कमाएंगे। धन हो या शिक्षा हो या मान सम्मान हो या कोई अन्य मामला हो, हर जगह पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, यानी क्रोध नहीं करना है, किसी बात को लेकर जिद नहीं करनी है। बच्चे जिद्दी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप इन दो तारीखों में व्रत के विवादों में बिल्कुल भी ना फंसे। थोड़ा सा क्रोध थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है आपके अंदर, जिससे आप व्रत के बातों में फंस कर अपना कीमती समय खराब कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से सचेत रहें, फालतू की चीज़ों से दूर रहें और अपने इस सुनहरे मौके सुनहरे संकेत का लाभ उठाएं, और यह लाभ आपके जीवन में बहुत बढ़िया सफलताएं लेकर आ रहा है। और आपने जो धन कमाया है उस धन का आप सदुपयोग करते हुए अपने धन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लाभ उतना ही कमाइएगा जितना जरूरत का है, शॉर्टकट के तरीके पे मत जाइएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब खूब पैसा खूब धन दौलत इंसान के पास होती है तो सरकार को टैक्स भी देना होता है, उसमें चोरी मत करिएगा। सरकार को टैक्स दीजिएगा ताकि आप रिलैक्स होकर जिंदगी को जी सके। तो ऐसी चोरियां, छोटी छोटी चोरियां, छोटी छोटी जालसाजियां मत करिएगा, इससे परेशान होंगे। और शॉर्टकट मत अपनाइएगा, गुस्सा मत करिएगा और जिद मत करिएगा। ये पाँचवा संकेत भी आपके जीवन में अनेक खुशियाँ लेकर आ चुका है, लाभ आपको उठाना है। 28 और 29 तारीख एक बेहतरीन तारीखों में लिखी जाएगी सितंबर माह की। तो आपके लिए पांच संकेत जो मैंने बताए, खुशियां लेकर आए, सफलता लेकर आए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने अंदर की निराशा को बाहर निकालें और इन खुशियों को महसूस करें और इन खुशियों का स्वागत करें। यदि आपके अंदर निराशा भरी रहेगी, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरे रहेंगे, तो आप कभी भी इन खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अपने मन की नेगेटिव भावनाओं को, नेगेटिव बातों को दूर निकालते हुए भगवान के इन आशीर्वादों को, इन संकेतों को अपने जीवन में अपनाइए और खुश हो जाइए। और मेरी पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब कुछ इतना कुछ देकर जाएंगे कि आपकी झोलियाँ खुशियों से भर जाएंगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और आप प्रसन्न रहेंगे। फिर भी यदि आपके जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, ग्रहों का कुछ उलट फेर चल रहा है आपकी जन्म कुंडली में, तो उसको दिखाइए, अपनी कुंडली की विवेचना कराइए, दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी कुंडली में पूरे ग्रहों को शांत करें उपायों के माध्यम से। और इन संकेतों के अलावा जो और संकेत आएंगे उनका भी लाभ उठाने के लिए अभी से कमर कस लीजिए, कुंडली की विवेचना कराइए और कुंडली में क्या परेशानी है उसको जानकर उसका सही इलाज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। और ईश्वर की कृपा से आप जल्द ही राहत महसूस करेंगे और जिनके जीवन में सब कुछ सही है वो इसका आनंद अभी से उठा पाएंगे या पाएंगी। तो ये जो जानकारी होती है ये महिला पुरुष सभी के लिए होती है। कई बार महिलाएँ लिखती हैं कि आप हमारी बात नहीं करते हैं, तो आप बुरा मत माना करिए, मैं बीच बीच में बोलता हूँ आप दोनों के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको अंत में बता देता हूँ, ये जानकारी महिला पुरुष बच्चों सभी के लिए है। हरिओम।